दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ICICI बैंक आई मोबाइल पे एप्लीकेशन जो कि मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं और आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले आपकी फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सर्च करेंगे आई मोबाइल पे, ठीक है। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे जो कि ICICI बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग का। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद सिंपली करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ICICI मोबाइल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पर अलाउ करेंगे, कुछ परमिशन मांगता है, अलाउ करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ दिखाएगा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वेट करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के आसपास यहाँ पे टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं माइंड सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए तो यहाँ पे ओपन अकाउंट पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, इंडियन रेसिडेंट अकाउंट और NRI अकाउंट। तो यहाँ पे इंडियन रेसिडेंट हूँ मैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंडियन रेसिडेंट और करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स गेट योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे सिम कार्ड इसी मोबाइल में रहना जरूरी है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सिम वन और टू आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा सिम वन है और करता हूँ कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है और लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, वेरीफाइंग मोबाइल नंबर दिखाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे सिक्योरिटी फर्स्ट सेट योर 4-डिजिट लॉगिन पिन, यहाँ पे कोई भी एक 4-डिजिट पिन डाल देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ फिर से पिन डाल के कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट, प्लीज सिलेक्ट योर प्रेफर मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ID। यहाँ पे अगर आपके पास ICICI बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग ID पासवर्ड है तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन नेट बैंकिंग ID सिलेक्ट करके आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग ID सिलेक्ट करके कर लेता हूँ। अगर आपके पास नेट बैंकिंग ID नहीं है तो यहाँ पे ATM कार्ड डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग ID डाल के ऑथेंटिकेट करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट फिंगरप्रिंट, यहाँ पे अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे सक्सेसफुली आई मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक कर सकते हैं, फिर 4-डिजिट पिन डाल के भी कर सकते हैं जो आपने सेट करा था। तो चलिए यहाँ पे मैं फिंगर डाल के अनलॉक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ इंट्रो टाइप का आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको टैप करना है सिंपली ओके के ऊपर और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, इसके बाद आपका साइड में क्रेडिट कार्ड और सारा कुछ डिटेल्स दिखाई देगा। नीचे की तरफ अकाउंट्स एंड डिपॉजिट में जाके अकाउंट डिटेल्स एंड डिपॉजिट डिटेल्स अगर आपका कोई FDRD है तो दिखाई देगा। सबको दिखा दिया किस तरीके से आप ICICI बैंक आई मोबाइल पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आई मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आई होप इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।